नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अगस्त बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की तारीख आगे बढ़ाने की अटकलों को उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने सिरे से खारिज कर दिया है। राजेंद्र यादव ने कहा, छात्र संघ चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, मुझे लगता नहीं है कि चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि शिक्षा का नया सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने इलेक्शन शुरुआत में रखे हैं ताकि सितंबर के पहले हफ्ते तक इस पूरे प्रकरण से फ्री हो जाएं। राजेंद्र यादव प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भरतपुर जिले के ब्रिज 84 कॉस परिक्रमा में खनन को लेकर मंत्री और अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने के मामले में राजेंद्र यादव ने कहा कि कोई थाने आया ही नहीं तो मुकदमा कैसे होगा, शिकायत किसके पास गई। मैं गृह मंत्री हूं, मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। मेरे आईजी से भी मैंने बात की, उनके पास भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई। कोई बाहर खड़े होकर कहे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कैसे होगी, लिखकर थाने में तो देना होगा, वहां जाना होगा तभी तो एफआईआर दर्ज होगी। हरियाणा के सोनीपत में महिला से गैंगरेप के मामले में एएसडीजे कोर्ट ने एक महिला सहित 3 दोषी व्यक्तियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। 2 साल पहले 15 अगस्त को महिला को काम के बहाने खेत में बुलाकर हवस का शिकार बनाया गया था। कोर्ट ने तीनों पर अलग अलग कुल 56,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की कोर्ट में चल रही थी। महिला ने दुष्कर्मियों का साथ दिया था। मामले के अनुसार 21 अगस्त 2020 को गन्नौर क्षेत्र के महिला ने बताया कि वह अपने पड़ोसन के साथ 15 अगस्त को गांव के ही प्रेम के खेत में मजदूरी करने गई थी। वहां नशीली वस्तु खिलाकर गीता ने प्रेम के साथ कमरे में बंद कर दिया। प्रेम ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार जान से मारने की धमकी देकर प्रेम और उसके साथी सुनील ने उसके साथ रेप किया। राजस्थान में पिछले 3 से 4 दिन से सुस्त पड़ा मानसून अब बुधवार से फिर से एक्टिव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 3 से 6 अगस्त तक राज्य के अलग अलग जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवा एक बार फिर उत्तर पश्चिमी की ओर आनी शुरू हो गई, जिससे मानसून एक्टिव होगा और अच्छी बरसात होगी। बाड़मेर जिले में लव अफेयर के चलते युवक युवती ने एक ही रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी समय से प्रेम प्रसंग था। घटना सिंधरी इलाके की है। दोनों ने रात को छपरे में लटककर जान दे दी। पुलिस के अनुसार सिंधरी के पास बालोत्रा रोड पर कालबेलिया के डेरे हैं। वहां पर एक छप्पर में 20 वर्षीय वीरम नाथ व 18 वर्षीय रेशकी ने एक ही फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी समय से लव अफेयर चल रहा था। सिंधरी थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला लव अफेयर का बताया जा रहा है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार युवक टैक्सी चलाने का काम करता है, वह युवती घर पर काम करती है। डूंगरपुर में एसीबी की टीम ने बाबू को 2,500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाबू ने टीचर से पहली सैलरी बनाने की एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान 4,000 रुपये की रिश्वत पर सहमति बनी। आरोपी बाबू टीचर से पहले ही 1,500 रुपये रिश्वत के ले चुका था। एसीबी की टीम आरोपी के घर और दूसरे ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है। डीएसपी हरम जोशी ने बताया कि पीड़ित हेमंत ने दी शिकायत में बताया कि उसकी हाल ही में राजकीय प्राथमिक स्कूल सीमलघाटी भागेला ब्लॉक दोवड़ा में टीचर के पद पर नियुक्ति हुई है। उसके पे मैनेजर पर डाटा अपलोड करने और जून जुलाई महीने की पहली सैलरी बनाने के लिए जूनियर असिस्टेंट 26 वर्षीय मनोज कुमार पाटीदार निवासी पाड़वा ने 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत का सत्यापन करवाया गया जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और मनोज कुमार पाटीदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोटा में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मामला भवानी मंडी पंचायत समिति के मांडवी गांव का है। दोनों बहनें दोपहर को स्कूल से आई और 2 बजे बकरियां चराने घर से निकली थी। तालाब के किनारे बकरियां चराते वक्त छोटी बहन कृष्णा का पैर फिसल गया। उसे बचाने के लिए बड़ी बहन राधिका ने भी पानी में छलांग लगा दी, दोनों नहीं बच पाई। घटना के बाद मांडवी गांव में शोक की लहर है। थाना अधिकारी महेश सिंह ने बताया कि मांडवी नटबस्ती में रहने वाले अनंत की दोनों बेटियां 13 वर्षीय राधिका व 11 वर्षीय कृष्णा की तालाब में डूबने से मौत हो गई।
राधिका और कृष्णा दोनों बहनें राखी के त्योहार का इंतजार कर रही थी। 4 साल के भाई को राखी बांधने को बेताब थी, इससे पहले ही यह हादसा हो गया। जयपुर में कॉलेज छात्रा के साथ क्लासमेट ने रेप करने का मामला सामने आया है। पार्टी के बहाने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। खोना गोरियन थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। SHO मनोहर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी 20 साल की युवती ने बताया कि वह प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, यहाँ किराए का फ्लैट लेकर रहती है। उसकी क्लास में धीरज शर्मा भी पढ़ता है, साथ पढ़ने के कारण दोनों फ्रेंड्स हैं और बातचीत होती रहती है। 31 जुलाई को देर शाम आरोपी धीरज उससे मिलने आया और पार्टी करने को कहा। पार्टी के लिए लाई कोल्ड ड्रिंक उसे पीने के लिए ऑफर की। नशा मिला होने के कारण कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी धीरज ने जबरन उसके साथ रेप किया। हनुमानगढ़ में 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के दौरान पानी की निकासी नहीं होने से टाउन के वार्ड 32 के सूर्यनगर और पारिक कॉलोनी में भी मकानों, सड़कों और नालियों का काफी नुकसान हुआ। कई जगह हाल ही में निर्मित नालियां अत्यधिक बारिश नहीं झेल पाई और बरसाती पानी के साथ ही बह गई। नालियों का पानी मकानों की नींव में घुसने से मकानों की दीवारों में दरारें आ गई और फर्श बैठ गया। वार्डवासियों ने इसके लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए रोष जताया। वार्डवासियों ने बताया कि 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से वार्ड 32 में काफी नुकसान हुआ। वार्ड में कई जगह नालियां ढह गई और पानी खाली प्लॉटों में भर गया। इसके अलावा बरसाती पानी नींव में जाने से मकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। वार्ड में हाल ही में बनी सड़कों व नालियों को इस बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भूरी पहाड़ी गांव में खेतों में भैंस चरा रहे एक ग्रामीण को वहीं के एक युवक ने गोली मार दी। गोली हाथ पर लगने के कारण ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा था। गोली मारने वाला युवक वर्तमान सरपंच जगमोहन मीना के भाई का लड़का है और कुछ समय पहले मानटाउन थाना पुलिस द्वारा वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर आया था। वारदात के बाद हमलावर युवक वहां से पहाड़ों की तरफ भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सवाईमाधोपुर जिले में खेत पर जा रहे एक बुजुर्ग किसान पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही किसान ने दम तोड़ दिया। हादसा सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा का है। मृतक के पुत्र चेतन कुमार प्रजापत ने बताया कि उसके पिता 66 वर्षीय रामफूल निवासी टापुर जाडोदा रोड पर खेत से काम जा रहे थे। खेत के रास्ते पर 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। इस दौरान एक आवारा सांड ने उसके पिता पर हमला कर दिया। हमले से वह अचेत हो गई। परिजन रामफूल को CHC शिवाड़ लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।